नमस्कार दोस्तों, जैसा कि टाइटल है कि कम बोलना चाहिए और मौन रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है या जो नुकसान है वो इमीडिएट नहीं समझ में आता है, बड़े लॉन्ग टर्म में समझ में आता है। देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम जीवन में अचीव करते हैं वो हमारी सोच है। हम अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे आज से तो कई चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये सब जो लिमिटेशन है वो हमारे सोच के द्वारा ही लगाया गया है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये परेशानी है, वो परेशानी है। अगर परेशानियाँ इतनी होती तो जो लोग बियॉन्ड जाके काम करते हैं, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, बार बार बोलता हूँ, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले इंसान से भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। विराट कोहली एक एवरेज इंसान से वर्ल्ड के नंबर वन बैट्समैन बन गए, किसी भी फील्ड में अगर हम बात करते हैं। शाहरुख खान एक स्ट्रगलिंग आदमी थे, स्ट्रगलिंग एक्टर से वो नंबर वन अभी बादशाह जाने जाते हैं। तो क्यों? वो सिर्फ सोच से ही होता है। और मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने ये समझ में आया कि हमारी सोच जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो होता क्या है कि हम बोलने के चक्कर में, देखिए हम बोलते क्या हैं, जो हमें इनपुट मिलता है, क्योंकि हम जब भी कोई आउटपुट देगा, कोई भी चीज़ जीवन में आउटपुट आप वही दीजिएगा जो आपको इनपुट मिलेगा, और उसको हल्का प्रोसेस कीजिएगा। हमारा इनपुट कहाँ से आता है? मोस्टली लोगों का इनपुट कहाँ से आता है? व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और आसपास का जो उनका सर्कल है। आप तो किसी महान हस्ती के सर्कल में बहुत मुश्किल से कोई आदमी रह पाता है। तो हमारा इनपुट ही सबसे पहले अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड इनपुट हमारे अंदर जाता है और हम उस इनपुट पे कुछ आउटपुट देते हैं। और जब हम बोलते हैं तो हम उस चीज़ को एक बार सोचते हैं, बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो हमें सुनाई भी देता है, तो एक बार रिवाइज भी हो जाता है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल के निकल गए और आपके जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी भी मोटिवेशनल किताबें हैं, द सीक्रेट है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, जो भी एटॉमिक हैबिट है, सब में एक ही बात समझाया गया, अपनी सोच पे कंट्रोल कीजिए, जैसा सोचिएगा वैसा पाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हमने क्या किया, हमने कुछ कचरा इनपुट लिया, कचरा आउटपुट दिया। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हम जिसको बोल रहे हैं वो भी तो कुछ रिप्लाई करेगा, और उसने एक और कचरा दिया, तो हमारा जो पहले से दिमाग में कचरा था, जो निगेटिविटी थी, वो और रिवाइज हो गया। तो अगर आप बोलेंगे ही कम तो वो जो इनपुट आउटपुट जो एक मल्टीप्लाई हो रहा है वो कम हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरा चीज़, एक प्रूवन रिसर्च कहता है कि हम दिन भर में 99% जो बातें बोलते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो नहीं बोलते तब भी काम हो जाएगा। और बोल के हम लोग उल्टा फंसते हैं, परेशान होते हैं, और उसके बाद वो परेशानी दिमाग में घूमती रहती है, क्यों उसको ऐसा बात बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको वो करना चाहिए था। तो सबसे पहली बात है कि बोलना कम करना है, लेकिन कैसे? एक होता है फोर्सफुल्ली कम, कि मैं अपने मुंह पे ताला लगा के रखूंगा, वो वाला नहीं। जब वो करते हैं तो आपके अंदर एक खुद से बातचीत शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है जब आप खुद से बातचीत कर रहे होते हैं। उसको आपको हर तरह से कंट्रोल करना है कि मैं अंदर भी नहीं सोचूंगा। और वो कैसे होगा? थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ। बेसिक मेडिटेशन क्या है? सांस जब लेते हैं ना, उस सांस पे ध्यान दीजिए कि नाक से सांस मेरा यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से अंदर गया, यहाँ से चेस्ट तक गया, चेस्ट से पेट तक गया, फिर पेट से वापस आ रहा है। जब सांस पे ध्यान दीजिए, कुछ विचार आएगा, दो बार ध्यान दीजिएगा, विचार आएगा उसको हटाना है, उसको कैंसिल करते जाना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक टर्म है नेति नेति, कि इसको भी कैंसिल करते जाइए, उसको भी कैंसिल करते जाइए, और जितना आप छांटते जाइएगा तो लास्ट में जो बचेगा, जो अंदर मूल बचेगा, जो जड़ बचेगा, वो पॉजिटिव है। आप और हम बचपन से पॉजिटिव ही पैदा हुए हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरा पड़ा है। एक छोटे बच्चे को आप कोई चीज़ मना करते हैं वो नहीं मानता है, वो करता जाता है, प्रयास करता है, क्यों? क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी। हम सोच सोच के, बोल बोल के, इधर उधर से निगेटिविटी कचरा करके और अपने लेयर बनाते जाते हैं, और उसके लिए हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। आप एक बार मौन होके देखिए, जब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो मौन हो गए। आप सुनते होंगे ऋषि मुनि बोला जाता है, मुनि का मतलब क्या होता है? मौन होता है। तो वो जब तक आप अपने अंदर खाली नहीं कीजिएगा,
पहले से पानी का ग्लास भरा हुआ है, कितना भी कोई कुछ डाल दे वो ओवरफ्लो होगा। आपका निगेटिविटी पहले से भरा हुआ है, आप कितना भी पॉजिटिविटी डालिएगा ऊपर से ओवरफ्लो होगा। उसको पहले एम्प्टी करना होगा, और एम्प्टी करने का बेस्ट तरीका यही है कि बोलना कम कीजिए। हम बोल के ही अपने अंदर सारी निगेटिविटी लाते हैं और उसके लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमारा समाज ऐसा है, हमारे पेरेंट्स ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, दोस्त वैसा है, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। हम सब जब भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं उसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा पीस बनाओ। अगर कुछ आपको टिकट कराना है IRCTC पे, छोटा सा उदाहरण है, कोई बगल में हल्ला करा, बोलते हैं चुप रहो मुझे कंसंट्रेट करने दो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बारीक काम करते हैं तो आपको साइलेंस चाहिए, कुछ भी, आपको सोने के लिए साइलेंस चाहिए। तो आप बहुत सारे लोग इसीलिए बड़ा ड्रीम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो पीस अभी नहीं है, वो साइलेंस अभी नहीं है। वो साइलेंस लाने का यही तरीका है, पूरी बात का ही तरीका है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन से पहले जितना ज़रूरी हो उतना बोलिए। ज़्यादा बोल के ही हम लोग अपने आप को ख़राब करते जाते हैं, अपने आप को डैमेज करते जाते हैं। ये विचार मेरे नहीं है, जो कई किताबें मैंने पढ़ी हैं अपने जीवन में उनसे इस विचार को अडॉप्ट किया है, और इन विचारों को अडॉप्ट करने के बाद मेरे जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए हैं। कई ऐसे उसके बाद से मैंने ड्रीम्स बनाए हैं जो कि अचीव कर लिया मैंने, कोई टारगेट्स बनाए उसको अचीव कर लिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि, जैसे नहीं होता है कि आपका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ बने रहना। कई लोग अपना डेब्यू करते हैं क्रिकेट में लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है कि एक बार आप हो सकते हैं कि सही से गलती से तुक्के से सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए है। हमारे दिमाग में करोड़ों सेल हैं, उन सेल को रेस्ट मिलता है, हमारे विचार बंद होते हैं, हमारी सोच बंद होती है, और जब अंदर शांति आती है, अंदर मौन आता है, तब कई पॉजिटिव हम विचार अंदर से आना शुरू होते हैं, और उसी में से एक विचार आपको जीवन में आगे ले जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन अगर कैसे करना है आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो बताऊंगा मेडिटेशन पे। और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों करना है, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एलोपैथिक दवाई है मेडिटेशन, होम्योपैथिक नहीं है कि फ़र्क दिखने में 6 महीना लगेगा। आज खाइएगा कल से फ़र्क जैसे एलोपैथिक में दिखता है, इसमें बहुत इंस्टेंटली आज का कल नहीं दिखेगा, लेकिन 1-1.5 महीने में आपको अपने अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और वही बदलाव, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम आपने आज किया है और आज जो रिजल्ट आया है, वही काम कल करेंगे और कल कुछ और रिजल्ट की उम्मीद करेंगे तो बेवकूफ़ी है, गलती है। इसीलिए अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तो आपका रिजल्ट में बदलाव नहीं आएगा, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।